चंदन ये सर कॉपी आया था, हमने ले लिया ओके बेटा, आप तो आवाज आ रही होगी ना, सब लोगों को आ जाना, तो फिर शुरू करो। बेटा क्वेश्चन ही था ना, मैं उम्मीद करता हूँ शायद क्वेश्चन ही था ना बेटा। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक तो शायद मैंने समझा दिया था ना बेटा, यहाँ ये तो समझा दिया था, यहाँ तक तो समझ में आ गया था सबको ना। ठीक है, तो 600 मिलीमीटर एचजी है बेटा, 600 एमएम मतलब 600 मिलीमीटर एचजी मतलब ये प्रेशर दिया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, तो अगर मुझे इस रिएक्शन का केपी निकालना है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस रिएक्शन के लिए केपी देखिए कैसे सॉल्व करोगे। केपी इक्वल टू क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई इंटू पी वाई अपॉन पी एक्स वाई टू, यही तो लिखोगे ना बेटा, बोलिए है ना आपसे। ओके, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, इसमें है क्या कि अगर हमारे पास यहाँ पे देखो कितने अच्छे क्वेश्चन लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, जो अमाउंट दिया वो ऑलरेडी प्रेशर में दिया है, वो कौन सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। अगर यही डाटा जो है ये मोल्स में होता तो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ता, फिर जाके हम यूज करते। समझ में आ रही ना बात मेरी, बोलिए बेटा। जैसे पिछले क्वेश्चन में मोल्स दिया था, फिर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ता था। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया है और कहा गया है एट इक्विलिब्रियम, उसने बोला है एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इज 800, तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या, 600 माइनस पी प्लस पी प्लस पी, इस दौरान उसका टोटल प्रेशर 800। तो यहां से मैंने बताया था पी की वैल्यू, यहां से पी ओ पी कैंसिल हो गया, तो पी की वैल्यू कितना आ जा रहा है बेटा, 200। या आप ठीक है, अब इस पी को हम कहां पुट कर देंगे, यहां पे पुट कर दोगे, इसी पी को यहां पुट कर दोगे, इसी पी को यहां पुट कर दोगे, तो ये हमारे पास जो एक्स वाई टू की वैल्यू है, यानी देखो पहले, अब देखो पी वाई, इस पी की वैल्यू तो 200 है, यानी ऊपर 200 यहां एक्स वाई की वैल्यू, वाई टू की, वाई की भी वैल्यू कितनी बेटा 200,
है ना, और यहां से 600 माइनस 200 कितना हो गया 400। तो बताओ इसका आंसर कितना लिखोगे बेटा? बोलो बेटा कितना फाइनल आंसर आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, तो अब एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखना भी। लिखिए तुम लोग बेटा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन दिया बेटा, इनिशियल प्रेशर ऑफ COCl2, इनिशियल प्रेशर ऑफ COCl2 इज 1000 टॉर। कितना टॉर बेटा? 1000 टॉर। ये भी यूनिट होता प्रेशर का, ठीक है, 1000 टॉर। ओके बेटा, एंड एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इज 1500 टॉर। मतलब इस रिएक्शन के दौरान जो टोटल प्रेशर है सिस्टम का वो कितना बेटा? 1500, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केपी, क्या निकालना बेटा हमें? केपी निकालना है। ये एक प्रोसेस, एक रिएक्शन कराया गया बेटा, ये रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन के दौरान इनिशियल प्रेशर COCl2 का कितना दिया बेटा? 1000 दिया है। इस रिएक्शन के दौरान टोटल प्रेशर 1500 टॉर है, हमें केपी बताना है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। ओके, ओके, तो चेक कर लिया जाए, यहाँ टी लिखेंगे 0, इसकी वैल्यू 1000 से बेटा, यहाँ 0 0, टाइम टी पे आप क्या लिखोगे? 1000 माइनस P and T, 1000 माइनस P plus P, कल उसने 1500 दिया है, इससे P कैंसिल, तो P कल टू 500 हो गया, ठीक है। तो KP कल टू क्या हो जाएगा? CO की वैल्यू ऊपर भी 500 है ना, यहाँ भी 500 और नीचे कितना आ गया? 500, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर फाइनली 500। क्या सभी लोगों को क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। व्हेन इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड, व्हेन इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड टुगेदर, व्हेन इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड मिक्स टुगेदर, ठीक है, मिक्स टुगेदर इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, इक्विमोलर प्रोपोर्शन मतलब दोनों का अमाउंट सेम है, ठीक है।
एट इक्विलिब्रियम, लिखिए भाई, एट इक्विलिब्रियम व्हेन टू थर्ड ऑफ द एसिड एंड अल्कोहल आर कंज्यूम, मतलब जब इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा हो ऐसा लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम इज अटेन व्हेन टू थर्ड ऑफ एसिड एंड अल्कोहल यानी टू बाई थ्री पार्ट, व्हेन टू बाई थ्री पार्ट यानी टू थर्ड ऑफ एसिड एंड अल्कोहल आर कंज्यूम, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट यानी के इक्विलिब्रियम बताना है आपको। क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे इसे बेटा? देखिए एसिड और अल्कोहल, मतलब अल्कोहल एसिड को जब रिएक्शन कराओगे तो उससे एस्टर बनता है, ठीक है, और क्या बेटा पानी, तो दोनों का क्या ट्राई, चलिए ट्राई करिए लिए यहाँ तुम लोग, है ना, तुम लोग भी सोचोगे कि हाँ कोशिश करो। तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, देखिए चलिए हम इसको सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है, आपने ट्राई कर लिया। इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड का इक्वल मोलर, मैंने मान लिया इसका वन इक्वल, मतलब सेम यही लोगे, है ना, इसको लिखोगे जीरो जीरो, बताइए यहां तक ठीक है, बोलो बेटा। ये जो मैंने यहां तक रिप्रेजेंटेशन लिखा ठीक है, अब टाइम टी पे उसने बोला, टाइम टी पे देखो क्या लिखोगे, वैसे इसका मैं रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, वन माइनस एक्स, यहाँ क्या लिखूंगा वन माइनस एक्स, यहाँ क्या लिखूंगा एक्स, यहाँ एक्स, लेकिन उन्होंने कहा कि इक्विलिब्रियम पे टू थर्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे मैंने एक्स पार्टिसिपेट कराया है, ठीक है, कितना पार्टिसिपेट कराया एक्स, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि टू बाई थर्ड पार्ट जा रहा है, यानी हमारे पास जो रियल इक्वेशन बना वो वन माइनस टू बाई थ्री, समझ में बात, यहां भी क्या लिखोगे वन माइनस टू बाई थ्री, यहां क्या है बेटा टू बाई थ्री, यहां भी कितना आया टू बाई थ्री, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया, आ गया बेटा। तो अब चलिए के इक्विलिब्रियम लिखो, तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, एस्टर की वैल्यू, वाटर की वैल्यू, और नीचे किसका लिखूंगा, अल्कोहल का और एसिड का। चलिए तो अब एस्टर देखो कितना बेटा,
टू बाई थ्री है। अगर इस तरीके से सॉल्व किए होगे तो हो गया, अगर इस तरीके से नहीं किए होगे तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे वन माइनस टू बाई थ्री और यहाँ भी वन माइनस टू बाई थ्री। इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आया बेटा? ओके गुड, चलो मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ कि कितना आया है। ठीक है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा, हो गया यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। व्हेन वन मोल, क्वेश्चन लिखिए बेटा, व्हेन वन मोल NO2, वन मोल NO2 एंड टू मोल CO, टू मोल CO आर इनक्लोज इन वन लीटर फ्लास्क, आर इनक्लोज इन वन लीटर फ्लास्क, वन लीटर फ्लास्क, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, वन मोल NO2 एंड टू मोल CO आर इनक्लोज इन वन लीटर फ्लास्क, वन लीटर फ्लास्क, ठीक है बेटा। अटेन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, अटेन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या दिया है, NO2 प्लस CO गिव्स, NO प्लस CO2 ये दिया, ठीक है इतना लिख लिया बेटा। लिखिए, इट वाज एस्टिमेट दैट एट इक्विलिब्रियम, इट वाज एस्टिमेट दैट एट इक्विलिब्रियम 25%, इट वाज एस्टिमेटेड दैट एट द इक्विलिब्रियम 25% ऑफ इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट ऑफ CO इज कंज्यूम, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KP, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KP, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? हो गया, हो गया, ट्राई करिए बेटा, आप लोग कोशिश करिए, न्यूमेरिकल चलेगा इतना बेटा, फिर हो जाएगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। वही 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 वही
रश्मि का आंसर आया है 1/3 ओके केपी कर दो ओके शाबाश सोमिया ओके हाँ हाँ बिल्कुल सोमिया तेरा भी आया मेरा भी 1/3 आ रहा है ओके गुड चलिए बेटा तो इसको मैं सॉल्व करा दूं फिर आप चेक कर लीजिए एक बार हम भी सॉल्व कर लें आपको दिखाएं सॉल्व करके चलिए इसको मैं हटा रहा हूं ठीक है ध्यान से देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बेटा देखो ध्यान से NO2 प्लस क्या था बेटा CO ना ये था ना बेटा ये क्वेश्चन था शायद ओके अब बताओ इनिशियली NO2 के कितने मोल्स दिए थे बेटा NO2 के कितने मोल्स प्लीज आप लोग थोड़ा बताइए बेटा 1 मोल्स और इसके कितने शायद 2 दिए थे याद है ना ओके तो ये लिखूंगा अब मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 1-x और यहां क्या बनेगा 2-x यहां बनेगा x और यहां बनेगा x क्वेश्चन में कहा गया है ठीक है कि अगर CO का 25% कंज्यूम हो रिएक्शन में ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेटा आप देखेंगे इसके जो इनिशियल मोल है वो कितने 2 मोल्स हैं 25% तो यानी जो 2 मोल्स है उसका 25% कंज्यूम हो रहा है ना तो 2 × 25/100 यानी कितना कंज्यूम हो रहा बेटा 0. ठीक है ना ठीक है बेटा बिल्कुल करेक्ट तो इसका मतलब हम पुट करेंगे क्या चीज अच्छा ध्यान से सुनिए NO2 या CO में से कोई भी पार्ट जो कंज्यूम हो रहा है x के फॉर्म में वही x यहां भी लिखोगे वही x यहां लिखोगे तो यहां लिखोगे 1-x यानी 0.5 2-0.5 0.5 0.5 ये लिखोगे बेटा अब डायरेक्ट आप k लिखोगे k इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट तो 0.5 0.5 upon 1-0.5 मतलब 0.5 2-0.5 मतलब 1. है ना बेटा यहां से ये कैंसिल ठीक है 0.5 ऊपर है और नीचे 1. ठीक है यानी 1/3 क्लियर है ना बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल 100% राइट अब एक क्वेश्चन और लिखो बेटा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से लिखिए व्हेन 3 मोल्स ऑफ ए एंड 1 मोल्स ऑफ बी थ्री मोल्स ए 1 मोल बी
आर मिक्स्ड इन 1 लीटर फ्लास्क, 1 लीटर फ्लास्क अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन, ए प्लस बी गिव्स 2C। ठीक बेटा, मैं उम्मीद करता हूं समझ में बात। 3 मोल्स ए, 1 मोल बी इन 1 लीटर फ्लास्क, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन दिया बेटा। लिखिए, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.5 मोल ऑफ सी। इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.5 मोल सी। फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको सॉल्व करिए, बहुत ध्यान से करिएगा सब लोग। ओके बेटा, क्वेश्चन सबने लिख लिया? चलिए सॉल्व करिए।
सभी लोग निकालो बेटा। चलिए देखा जाए इस रिएक्शन को। A plus B gives 2C, okay? अब देखिए बेटे यहाँ पे क्या है, टाइम जीरो, आपको पहले पता है टाइम जीरो मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, खराब चल रहा टाइम। इसके थ्री मोल्स दिए हैं, इसके वन मोल दिए हैं, और यहाँ बन कितना रहा बेटा, जीरो। ठीक है, तो टाइम टी पे हम लोग लिखेंगे 3 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, और इसको क्या लिखो बेटा, इसे 2x लिखोगे। यहां तक ठीक है, बोलो बेटा यहां तक समझ में आई बात आपको? अब आगे उसने क्या बोला है बेटा कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे c की वैल्यू, तो c पे इक्विलिब्रियम की मिक्सचर इक्विलिब्रियम कितना है 2x, c की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है 2x, और उस दौरान इक्विलिब्रियम पर मिक्सर जो दिया है वैल्यू वो 0.5 दिया है। तो जब 2x की वैल्यू 0.5 दिया है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1.0। यही तो क्वेश्चन था ना बेटा, शायद एक बार चेक कर लूं। बोलो बेटा ये था ना, सॉरी ये पहले ये बताओ, ये वाला इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को? पहले रिप्रेजेंटेशन बताओ उतना है, चलिए। तो अब मुझे बताइए बेटा, यहां से एक्स की वैल्यू निकाला मैंने, ठीक है, अब एक्स की वैल्यू यहां निकाला तो वो कितना आ गया बेटा, ठीक है, इस वैल्यू को यहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे, तो बताओ फाइनल आंसर तुम लोगों का कितना आया था बेटा, एक बार मैं भी इसमें चेक कर लूं कितना है। सही करो बेटा, देखो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रहा है बेटा। यहाँ एक चीज मिस्टेक हो रहा है, एक्स की वैल्यू यहाँ, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा, यहाँ एक्स की वैल्यू थोड़ी मिस्टेक, कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू, वो गलत कैलकुलेशन हो गया था, यहाँ एक्स की वैल्यू 0.75।
पक्का? हाँ सर। 0.25 कितना हो गया भाई? तो सर आप जो 0.5 लिखे वहाँ हमारा 1.5। हाँ तो तुम गलत लिखे हो, सर ने जो क्वेश्चन बोला है उसमें 0.5 मोल ही है। यही चीज तो हमने थोड़ा सा पहले 1.5 सर ने बोल दिया होगा, ये 0.5 था बेटा। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं सर, हम 1.5 लेंगे। अगर 1.5 ले लेंगे ना बेटा तो यहाँ वैल्यू नहीं आएगा, 1 माइनस 1.5 नेगेटिव में आ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा सब बेटा। ठीक है, यस सर। तो ये 2 into 0.25 हुआ, ये वाला C वाला वैल्यू, ये वाला यहाँ क्या लिखोगे 1 minus 0.25, यहाँ लिखोगे 3 minus 0.25। अब शायद समझ में आ गया होगा बेटा, है ना? बोल बेटा। ये सॉल्व करने पे 0.121 आ रहा है। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, C का स्क्वायर अपॉन A और B, है ना बेटा? यस सर। तो इसका स्क्वायर 0.5 कितना हो गया, 0.5 का स्क्वायर ना बेटा, है ना? हाँ सर। और ये 3 माइनस इतना, ये टोटल कितना आ रहा बेटा आंसर फाइनल सॉल्व करने पे? 0.121। ये सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब सही बेटा। नहीं सर, हम लोग का 4.0 ही आ रहा था। नहीं, वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन में। समझना, अब तो समझ में आ गया होगा यार। बोलो बेटा। सर आप 1.5 ही बोले थे, ये 0.5 नहीं बोले थे। अरे भैया, एक बार सर आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए। हाँ मैं देख लिया, दोबारा बोल दे रहा हूँ, 3 moles ऑफ ए, हो सकता निकल गया हो गलती से यार, जान ले लोगे। मैंने बोला था 3 moles ऑफ ए, 1 moles ऑफ बी, ठीक है, रिएक्ट है ना, जिसका बोल 1 liter प्लास दिया है, ये रिएक्शन दिया है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो सी का वो 0.5 दिया है, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, ठीक। चलिए अगला लिख लो सर, एक मिनट। बोलो बेटा, दोबारा दिखाऊं? नहीं सर, ये लिख लें। हाँ लिख लो सर। सर ये सब इरेज हो गया बेटा? हाँ सर। चलो अगला लिख, अगला लिखिए। 2 mole NH3 gas NH3 gas are introduced in a evacuated flask having volume 1 liter. सर एक बार और देखिए। 2 moles ammonia gas and NH3 gas are introduced into a evacuated flask having volume 1 liter. ठीक है, and it is partially dissociated at high temperature and it is partially dissociated at high temperature ठीक बेटा? लिख लिया ना? हाँ सर। At equilibrium, 1 mole ammonia remain. At equilibrium, 1 mole ammonia remain. बचा हुआ है. Find out the value of Kc.
रिएक्शन ये दिया है बेटा। हमको भी बता देना है राइट क्वेश्चन का, क्वेश्चन से बोलना पड़ता है बड़े वो होता है। देखो फिर बोलो तो ध्यान से देख लो बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या मैं समझा दूं इसको? समझाओ बेटा, दूसरा क्वेश्चन दे रही है। अरे सबका तो हो जाना दे बेटा। हाँ दूसरा, तू टेंशन मत ले। यहाँ कितना मोल था पहले? दो मोल्स, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। टाइम टी पे देखो क्या बनाओगे। टू माइनस एक्स बनाते थे, लेकिन आगे कितना दिया है बेटा रिएक्शन में? टू मोल्स दिया है, है ना? तो ये क्या होगा? 2 माइनस 2x, ठीक है। यहां कितना हो जाएगा x, यहां कितना हो जाएगा बड़ा 3x, ठीक है। ये बताओ जो इसका कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है बेटा कैसे इसका हम फॉर्मेट तैयार किया, कैसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना यहां तक? यस सर, यस सर। अब उसने इस बार बोला है 1 मोल अमोनिया रिमेन सेम एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू ये बेटा, या ना मतलब क्या लिखूंगा, 2 माइनस 2x इक्वल टू 1, ठीक है ना? बोलो बेटा। यस सर। हाँ सर। तो अब बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। यस बिल्कुल करेक्ट। यस, तो अब देखो यहाँ लिखूंगा 2 माइनस 2 इंटू 0.5, यहाँ ये रुकूंगा 0.5, यहाँ 3 × 0.5, ठीक है।
अब ये जो वैल्यू है बेटा, इसको हम क्या करेंगे कि इक्विलिब्रियम लिखेंगे, उठा के पुट कर देंगे, ठीक है। ये तो रिएक्शन बना ना बेटा, ठीक है, हो जाएगा सभी को बेटा। हाँ सर, गुड। चलो बेटा, तो अब हम आगे क्वेश्चन तब दे सकते हैं जब थोड़ा समय कुछ और कॉन्सेप्ट ले लें, ठीक है। हम लोगों ने केसी पढ़ा बेटा, और क्या पढ़ा बताइए, केपी है ना, ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा ठीक है, अभी आज जितने भी प्रॉन बताएंगे उस प्रॉब्लम उन सभी में से किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। चलो ठीक है, अब केसी और केपी जो आपने पढ़ा ना बेटा, तो इसमें हमें क्या देखना है, रिलेशन ढूंढना है ना, क्या रिलेशन है, यानी रिलेशन बिटवीन केपी और केसी। हाँ बेटा, कुछ नहीं, कुछ बोलो 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 सर, ये जो रिलेशन होगा वो किसमें देखना है, मतलब जो रिएक्शन दिया होगा उसमें कि। मैं बता रहा हूँ, घबराऊ मैं, है ना, ठीक है। आप सुनिए, केसी और केपी का हम रिलेशन देखेंगे, ठीक है। हमने के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तीन टर्म में बताया था बेटा, केसी, केपी और केएक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, अपना जनरल रिएक्शन लेके चले, वही जो हम लोग पुराना लेते थे, याद है ना, ए प्लस बी गिव्स, याद है ना बेटा, सी प्लस डी, ये तो था ना हमारे पास, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा हाँ ना बोलते चलो बेटा, ये था ना हमारे पास। हाँ सर। यस सर। और इसके लिए केसी था हमारे पास सी का पावर सी, डी का पावर डी अपॉन ए का पावर ए और बी का पावर बी, ठीक है। ये अब मैं क्या करूँ, इसके लिए अगर इसी रिएक्शन के लिए केपी देखना चाहता तो केपी हम लोग लिखते पी सी का पावर सी इंटू पी डी का पावर डी अपॉन पी ए का पावर ए पी बी का पावर बी, ये हम निकालेंगे। इसको लाने के लिए मुझे पी सी निकालना पड़ेगा, तो पार्शियल प्रेशर, ठीक है, एल पी सी। अब बेटा हम ये पहले चैप्टर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी बी इक्वल टू एन आर टी, याद है? यस सर। तो जब पी बी इक्वल टू एन आर टी पढ़ते थे आप लोग, तो वहां लिखते थे पी इक्वल टू एन वाया वी इक्वल टू आर टी, है ना, और n वाया v क्या हो गया, कंसंट्रेशन, यानी p इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ सी आर टी बोल सकता हूँ ना बेटा, जहाँ c क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब अगर मैं ध्यान से सुनिए, ये प्रेशर जो है पार्शियल, यानी p v इक्वल टू, यानी p इक्वल टू सी आर टी, ये हम क्या कर रहे हैं, a b c d के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं a का निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ a आर टी लिखूंगा, कैसे एक बार ये फिर रिपीट करिए। ये वाला जो इक्वेशन है बेटा, PV इक्वल टू nRT से जो हमने P इक्वल टू CRT लाया है, इसको हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, इस रिएक्शन के लिए, यानी पार्शियल प्रेशर A का निकालेंगे, B का निकालेंगे, सर इसको क्या कहते हैं, P इक्वल टू CRT को। यहां तो आपने पढ़ा था ना बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, अच्छा पहला चैप्टर याद है ना। हां सर, ठीक है, तो ये P इक्वल टू इतना पढ़ोगे, समझ में आई बात यहां तक। अब मैं PV के लिए निकालूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, कंसंट्रेशन लिखूंगा किसका, बोलो बोल बेटा, लिख सकता हूं ना, समझ में बात। यस सर। अब देखो, अगर C वाले लिखो तो क्या लिखोगे, ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो इसको आप अगर ऐसा लिखना चाहो, देखो अगर ए वाले कंसंट्रेशन को आप ए मानना चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं, कोई मना थोड़ी करेगा, बी वाले के लिए कंसंट्रेशन आर टी, ठीक है, समझ जाओगे ना बात। बोलो बेटा। हाँ सर। अब एक काम करें हम लोग, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, पुट कर दिए थे,
सर ये दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं ना? हाँ नहीं ये देखो ये हाँ तो कोई भी पुट करो, बट ये थोड़ा सा आसान अभ्यास में रहेगा, क्योंकि नहीं तो बाद में फिर इसको हम हटा पाएंगे है ना, क्योंकि सब यहाँ समझ नहीं, ये तो मैंने ये वाला ठीक है। हेलो स्क्वायर ब्रैकेट में जो तो कंसंट्रेशन ही ना बेटा, तो यहाँ तो मैं समझाने के लिए लिखाया हूँ, अब आपको यहाँ क्या करना उस टर्म का कंसंट्रेशन यूज करना है। माइक ऑन करके बोल दो बेटा, ये सुनो ठीक है। चलो तो अब यहाँ सी वाले की वैल्यू पुट करो, सी वाली कौन सी, ये वाली है ना बेटा। हेलो हाँ सर, यहाँ स्क्वायर क्या लिखोगे ठीक है, ये पीसी वाला पुट किया अभी मैंने ठीक है ना, यहाँ तक अब डी वाला पुट करो, डी वाला यहाँ है ना, यहाँ इनटू का साइन लगा दे रहा हूँ जिससे पता रहे ठीक बेटा। अब ए वाला नीचे पुट करो, बी वाले को पुट कर दो ठीक है। बोले यहां तक ठीक है सबका? यस सर। हां सर ओके, इसको हटा दो पहले। अब एक काम करो बेटा, इनको सही फॉर्मेट में अरेंज करिए, सही फॉर्मेट इन द सेंस है क्या कि आरटी को एक साइड में रखो। देखो मैं क्या कर रहा हूं अभी, देखो तो यहां मैंने क्या किया बहुत ध्यान से सुनिए, इसको मैंने लिख दिया इस फॉर्म में सी का पावर सी, डी का पावर डी, ए का पावर ए और बी का पावर बी, और मैंने क्या किया देखो बेटा, बताओ यहाँ क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा मैं? सर आर कॉमन ले सकते हैं, आर टी मतलब आर टी ठीक है ठीक है। अच्छा देखो यहाँ आर टी है बेटा ठीक है, यहाँ सी और यहाँ डी है ठीक है, समझ में बात? यस सर। देखो ये ऐड होगा पता ना, पता आपको पता है ना, मल्टीप्लाई करने पे ऐड हो जाएंगे ठीक है बेटा। अच्छा सर, अच्छा इस वाले को ऊपर ले जाओगे तो क्या लगा दोगे साइन माइनस ठीक है, क्या लिख दे बताओ, ए और ठीक है आता है सर। अब सर बेटा ये सी और डी जो है या ऊपर ए और बी, ये क्या बताते हैं, ये तो मोल्स है ना आपका, क्या था बेटा बताओ, ये मोल सी तो थे, किसके मोल थे ये बताओ, प्रोडक्ट के, ये किसके मोल थे बताओ, रिएक्टेंट के ठीक है। यस सर, तो अब बताओ बेटा ये वाली वैल्यू इतनी जो है ये किसके बराबर है, किसी के ठीक है ना। अब बताओ बेटा तो सर उसकी जगह केसी भी लिख, हाँ तो अब क्या लिखोगे, केपी इक्वल टू इसके प्लेस पे केसी लिखोगे और यहाँ आरटी लिखोगे। देखो ऊपर ये मोल जो है प्रोडक्ट के हैं है ना बेटा, तो ये वाले किसके हैं, रिएक्टेंट, तो ऊपर क्या लिखोगे, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा बेटा एक फॉर्मूला डेल्टा एन, यानी नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू किसके बेटा, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस किसके मोल्स, रिएक्टेंट। अच्छा अब ये जो इक्वेशन लेके आए बेटा इसमें कौन सा इक्वेशन अप्लाई किया आप लोगों ने, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई किया है। हाँ सर, तो इसका मतलब जो हम मोल्स लिखेंगे बेटा वो मोल्स किसके लिखेंगे, वो गैसियस पार्टिकल के लिखोगे ना, तो यानी यहाँ जो डेल्टा एन लिखूंगा चेंज इन मोल वो किसके लिए लिखूंगा, किसी गैस पार्टिकल, गैस, तो ये गैस पार्टिकल के लिए अप्लाई हो। हाँ अभी रिएक्शन दूंगा तभी आप समझ पाओगे, तो यानी रिलेशन क्या बना, केपी इक्वल टू केसी आरटी का पावर डेल्टा एन ठीक है। अभी जैसे रिएक्शन देंगे तुरंत समझ में आ जाएगा सब बात ठीक है। यस सर,
अब सुनिए बेटा, अब कोई अगर रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस की वैल्यू अगर जीरो आ जाए, तो बताओ केपी और केसी में क्या फर्क होगा? केपी और केसी क्या हो जाएंगे दूसरे के? दोनों इक्वल हो जाएंगे। यस। और अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ जाए, जीरो, तब क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा केपी। कौन? KP is greater than KC. और कम हो जाए तब लेस हो जाएगा, ठीक है? है ना? चलिए, तो अब एक काम करिए, पहले नोट कर लिए फिर बताऊंगा। क्या चीज सर? पहले इसको लिख लीजिए फिर मैं बताऊंगा। नोट कर लिया होगा सर? हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, कुछ रिएक्शन दिया, ध्यान से सुनिए रिएक्शन को। मैंने रिएक्शन दिया H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। दूसरा मैंने लिखा N2 गैस, ये क्या लिखे हैं सर? 2H5 2HI बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये PCl5 बेटा, PCl5 को डिसोसिएट करा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सर ये बताएंगे ना आप? हाँ जी बेटा, बताएंगे बिल्कुल। इसमें हमें क्या बताना बेटा, इन चारों के लिए मुझे केपी और केसी में रिलेशन बताना, ठीक है? अब मैं इसमें से कौन सा बताना शुरू करूं, पहला वाला? नो सर, केवल लास्ट वाला। सर कोई भी बता दीजिए। अब देखो बेटा, अगर मुझे केपी और केसी में इसमें रिलेशन बताना है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, ठीक है? यानी डेल्टा एन, डेल्टा एन क्या होता है? मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के कितने मोल्स बेटा? टू मोल्स, टू, और रिएक्टेंट में वन मोल्स यहाँ, वन मोल यहाँ, ये भी टू है। तो डेल्टा एन जी क्या हो गया? जीरो। तो अगर डेल्टा एन जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए केपी और केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल है। इस टाइप का क्वेश्चन करना होता है। अब इसमें चेक करो, एक और बता रहा हूँ, बाकी दो तुम कर लेना, ठीक है? इसमें डेल्टा एन जी निकालो, तो प्रोडक्ट में टू मोल्स, रिएक्टेंट में कितने? थ्री प्लस वन फोर। इसमें आ गया बेटा निगेटिव में आ गया वैल्यू, लेस देन जीरो। क्या आंसर दोगे बोलो बेटा? लेस देन केस। समझना है बात? यस सर। तो अब समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा? वैसे तीन चार रिएक्शन देगा सर, अब कर लेंगे। हाँ ठीक है। देखो इसमें डेल्टा एन कैसे निकालोगे? अब क्या लिखोगे? प्रोडक्ट में कितने मोल्स गैस के? वन। बाकी रिएक्टेंट तो लेना ही नहीं क्योंकि सॉलिड, ये भी सॉलिड है। तो वन माइनस जीरो यहाँ कितना आ गया बेटा? वन, यानी यह भी कोई पॉजिटिव आ गई है ना। तो KP greater than KC। Yes, बिल्कुल। इसमें भी आ जाएगा वही, है ना? Yes, sir। चलिए। Yes, sir। तो ये हो गया KP और KC में रिलेशन हो गया।
अब अगर आपको याद हो बेटा तो हम लोग कल जब क्वेश्चन किए थे शायद मैंने यही एग्जांपल दिया था, एच टू प्लस आई टू गिव्स टू एच आई कल, और यहाँ पे मैंने इसके ए मोल्स लिए थे, इसके बी मोल्स, इसके जीरो टाइम जीरो पे, और टाइम टी पे मैंने लिखा था इसको ए माइनस एक्स एंड बी माइनस एक्स एंड टू एक्स, याद है ना? वॉल्यूम बी लीटर लेते थे, कुछ याद आया? यस सर। और हम लोग जब इसकी वैल्यू निकालते थे केसी की वैल्यू, तो केसी की वैल्यू शायद आया था फोर एक्स स्क्वायर अपॉन सर ये कल वाला क्वेश्चन। हाँ बताना क्या आया था केसी की वैल्यू, थोड़ा बताना नहीं तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस x इनटू b माइनस x। यस a माइनस x इनटू b। यस और यही वैल्यू केपी की भी तो आई थी। यस सर दोनों सेम आई थी। तो बेटा दोनों का सेम क्यों आया था? क्योंकि अगर मैं इस रिएक्शन के लिए केपी और केसी ने वैल्यू निकालूं तो डेल्टा एन इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? जीरो। याद है ना? यस सर। तो इसका मतलब अब क्वेश्चन आगे अगर आएगा और आपसे केसी केपी पूछे तो पहला मेरा काम ले क्या रहेगा कि अगर डेल्टा एन जीरो है तो हम कोई एक वैल्यू निकाल दे वही दोनों का आंसर हो जाएगा। ठीक है? यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई मेरी बातें। हाँ सर समझ। ठीक। प्रैक्टिस कहाँ से करते हो क्वेश्चन का? हाँ जी बेटा। बेटा मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस बुक से या कहाँ से करते हो? सर एनसीईआरटी लगाते हैं। हाँ एनसीईआरटी। इसके अलावा बस एनसीईआरटी साइड बुक नहीं रखते? नहीं स्टडी पैकेज तो ले लो बेटा ना मटेरियल उसके भी करो क्वेश्चन। ठीक है सर कौन सा बुक ले ले बता दी। अरे बुक की जरूरत तो अगर लेना चाहोगे तुम कुछ सर डॉक्यूमेंट्स मिला है कुछ कोचिंग से वही लगाते। हाँ तो ये जो मिला कोचिंग से इक्विलिब्रियम का मिला हुआ है? नहीं नहीं तो इसको ले लो बेटा फिर उससे लगाओ फिर मैं और कुछ बताऊँ। ठीक है सर आप। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सर आप दे देंगे कोचिंग में तो कोचिंग वाले फिर मैं बोल दूंगा बेटा। ठीक है सर साइड बुक में प्रदीप यूज करते हैं। ठीक है बेटा देखो अभी बेसिक लेवल के लिए प्रदीप सही है अदरवाइज फिजिकल के लिए अलग बुक लेना पड़ेगा। अगर जेई की बात करें तो फिजिकल के लिए अलग चाहिए बेटा। ठीक है वैसे इस जो मॉड्यूल है ना बेटा इसको बनाओगे तो काफी सही होगा आपको कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगा है ना क्योंकि अदरवाइज आपको तीनों के अलग अलग बुक लेने पड़ेंगे है ना। अगर आप जेई में जाना चाह रहे हो तो इसके लिए अलग चाहिए इसके लिए अलग इसके लिए अलग। ठीक है और नीट के लिए तो एनसीईआरटी और स्टडी मटेरियल सफिशियंट है। ठीक है वैसे अगर आप फिजिकल के लिए लेना चाहो तो आप ओपी टंडन भी अपने उसके लिए ले सकते हो ये भी अच्छा है जीआरबी का। ठीक है चलिए तो हम बेटा एक क्लास या दो क्लास लगेगा अभी केमिकल इक्विलिब्रियम पे है ना। उसके बाद सबसे ज्यादा टाइम खींचेगा मैंने आपको पहले बताया था वो कौन सा खींचेगा बेटा कौन सा बोलिए? आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज दीजिए ग्रुप। चलो मैं देख रहा हूँ बेटा। ठीक है देखूँ अगर होगा तो ऐसे मैं भेज दूंगा डेफिनेटली 100%। ठीक है ठीक है ठीक है ओके बेटा आज के लिए बाय बाय टाटा बाय 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 बेटा बाय 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 एवरीवन।